सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि 11वीं शरीफ का महीना चालू है और मैं आज हमारे 11 चिराग रोशन करने वाली हूँ जो हमारे चांदी के हैं, तो उसीलिए आज मैं बनाने वाली हूँ मलिदा। और खाना मैं नहीं बना रही हूँ, खाना तुम्हारे भाई ने भार बोल दिए, दाल गोश है ना, हाँ। दाल गोश बोले तो मैं बोली चलेगा तुम भार बोल दो, मैं मलिदा यहाँ पर घर में बना लेती हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ गुड़ का मलिदा, जिसमें मैं सेम मलिदा बनाऊंगी मगर उसमें शक्कर का इस्तेमाल नहीं करूंगी, उसमें मैं डालूंगी गुड़ डालने वाली हूँ। क्योंकि शक्कर की चीज हम लोग, मैं नहीं खा रही हूँ और आसिफ भी नहीं खा रहा है क्योंकि हम लोग डाइट पे करके, तो इसीलिए मैं बोली गुड़ अगर हम लोग डालेंगे तो हम लोग उसको खा सकते हैं, बराबर है ना। तो आज मैं वो बनाने वाली हूँ और वो हेल्दी भी रहेगा। आप लोग भी अगर ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो आप लोग भी बना सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पर मैंने ये लेके आई हूँ, इसे क्या बोलते हैं ये जैगरी पाउडर रहता है, गुड़ का पाउडर। ये आपको है ना ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। किस पे आसिफ देखा था तूने? अमेजोन पे। अमेजोन पे भी मिल जाएगा या नहीं तो आपको डिमांड मॉल में भी ये मिल जाएगा। मैं क्या करी कल रात को जाके इसे डिमांड मॉल से लेके आई हूँ, तो एक के ऊपर एक फ्री था तो मैंने ले ली है। आधा किलो का एक पैकेट है तो अभी आधा किलो पूरा नहीं जाएगा, इसमें से कम ही जाएगा। बराबर। बनाना स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने घेऊ ली थी और घेऊ को मैंने चक्की पे दी थी पीसने के लिए। ये मैंने कम से कम आधा किलो ली हूँ, मैं हमेशा 1.25 किलो का बनाती हूँ मगर आज मैं आधा किलो का ही बना रही हूँ मलिदा। और ये जो है ना मैंने चक्की पे जब दी थी तो उसे बोली थी मुझे ना मलिदे का आटा चाहिए, यानी रवे के जैसा आटे को पीस के देना, रवेदार आटा, हाँ। है ना। तो वैसा वो चक्की वाले लोग को बोलेगी ना तो उन लोग बरोबर रवेदार आटा हमें पीस कर दे देते। अभी मैंने इसे छान ली अच्छी तरह से, छानने के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर घी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने देसी घी ली हूँ, प्योर देसी घी ली हूँ मैंने। अब ये क्या करूंगी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिक्स कर लूंगी पहले अच्छी तरह से, फिर इसको दूध डालकर मलूंगी। घी को गरम कर लेना, गरम करके ठंडा कर लेना। तो इसमें कम से कम आधा कटोरी या एक कटोरी घी इसके अंदर जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए हमने घी और आटा एकदम अच्छी तरह से मल के एक कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे देखेंगे इसको, ऐसा जब हम ऐसा मुट्ठी बांधेंगे तो आटा इस तरह का एकजुट होना चाहिए, है ना। अभी इसके अंदर मैं डालूंगी दूध। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ आधा लीटर दूध, देखते कितना दूध लगता है। मलाई के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ा थोड़ा दूध। दूध को गर्म कर लेना है, गर्म करके ठंडा कर लेना, फिर इसको इसके अंदर डाल के आटा मल लेना। तो यहाँ पर हमारा आटा मलकर हो चुका है एकदम अच्छे से। ये देखिए ज्यादा नरम भी नहीं करना है, ज्यादा कड़क भी नहीं रखना है, इस तरह का मीडियम रखना है। ये देखिए ना अभी इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो इस तरह के हमें बड़े बड़े से पेड़े इसके बना कर लेने, छोटे छोटे नहीं बनाने, बड़े बड़े बनाने, एकदम ऐसे जाड़े 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 पेड़े बनाने के, मोटे मोटे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताई हूँ मलिदा कैसे बनाते हैं, मगर अभी वो तुमने शक्कर का दिखाया ना, शक्कर का दिखाया, गुड़ का दिखाया, शक्कर और गुड़ में टेस्ट में बहुत फर्क रहता है, फर्क रहता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आसिफ को ज्यादा जानकारी है क्या? ये देखिए अभी इसमें कितने पेड़े बनते हैं वो मेरे को मालूम नहीं, लगता है चार बनेंगे, चार ही बनेंगे या पांच बनेंगे, ऐसे कुछ पेड़े इसमें बन जाएंगे मोटे मोटे से। तो चलिए गाइस यहाँ पे एक पेड़ा ले लेंगे हम, हाथों से थोड़ा इसे ऐसे दबा लेंगे। सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करना है हमें, क्योंकि बगल सूखे आटे से ही इसे हमें बेलना है। हो सके तो अगर आपको हाथ से जमता है तो आप हाथ से भी इस तरह से इसे बड़ा बड़ा कर सकते हैं। असली मलिदा जो बनता है वो आपको मैं तरीका बता रही हूँ, सेम जैसे हमारे घर में हमारी सास बनाते थे, हमारी दादी बनाते थे, वैसा मलिदा अभी शायद ही, अभी बहुत लोग नहीं बनाते मलिदा, क्या बनाते क्या वो भी मुझे इतना आइडिया नहीं है, मगर अगर आप लोग बनाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि हम लोग भी बनाते हैं करके। इसे हल्का हल्का सा मैं बेल लूँगी। ये देखिए पहले मैंने जो किचन का टेबल है उसे मैंने अच्छी तरह से साफ कर ली, उसके बाद मैं इसे बेल रही हूँ। ऐसी मोटी मोटी सी रोटी जैसी हमें इसे बेलना है। ये देखिए ऐसे तवा नहीं है मेरे पास में, तो मैं क्या कर रही हूँ जो पैन है, पैन रखी हूँ मैं, पैन के ऊपर ही इसी को डाल दूंगी और एकदम खस्ता ये रोटी बनेगी मलिदे की। यहाँ पे मैंने पैन गर्म होने के लिए रखी हूँ, पैन गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम घी डाल देंगे। घी का इस्तेमाल इसे सेकने के समय अच्छे से करना है, जितनी अच्छा आप घी इसके अंदर यूज करोगे उतनी अच्छे आपके आपका मलिदा बनकर रेडी हो जाएगा।
ये कहीं से भी टूटेगा तो टेंशन मत लेना, इसे आपको सेकते जाना है बस। अच्छी तरह से घी लगा लगा के अलट पलट करते हुए रोटी को हम सेक लेंगे, जैसे हम हमारी नॉर्मल रोटी सेकते हैं सेम उसी तरह से ये रोटी को भी हमें सेक लेना है। किनारियों को भी अच्छी तरह से चम्मच से दबा लेना है कि रोटी अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए यहाँ की किनारी थोड़ी कच्ची है तो इसे मैं पलट के ऐसे आराम से ध्यान से एकदम सेकना है, क्योंकि कभी टूट भी गई तो टेंशन मत लेना, टूट गई तो भी आप इसे सेक लेना है ना। देखो ये ऐसी खस्ता हो जाती है तो ऐसे टूटने लग जाती है, क्योंकि हम इसमें घी का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे एकदम खस्ता हमारी ये बन जाती है रोटी। मलीदा तो एकदम टेस्टी बनता है, कभी आप मेरे स्टाइल में बनाइए मलीदा, ये देखिए कितनी खस्ता बन रही है, एकदम रोटी में से पर उसके छूट रहे हैं। बिस्मिल्लाह एकदम आराम से यहाँ पे ये हमारा बनकर हो गई है। इसे अभी मैं क्या करूँगी, ऐसे तोड़ लूँगी थोड़ा सा इधर पे, ऐसा तोड़ के इसे यहाँ से उठा कर इस बर्तन में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह है ना, अब ऐसे करके हमें सारे बना लेना है। तो चलिए माशाल्लाह अच्छी तरह से मैंने मलीदे की रोटी बना ली। अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसे हाथों से तोड़ रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा हम हाथों से तोड़ लेंगे, उसके बाद में फिर इसको ठंडा हो जाएगा तो मिक्सर में डाल के इसे पीस लेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म गर्म में थोड़ा बहुत पीस लेना है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे और इसे मिक्सर की वाटी में डालकर पीस लेंगे। एकदम बारीक भी नहीं पीसना है और एकदम ज़्यादा भी नहीं पीसना है, मीडियम पीस के इसे रेडी करना है। चलो पीस कर दो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बारीक हमें पीस लेना है। देखिए इसमें डाल के बताती हूँ, इसमें डालूंगी तो समझ में आएगा अच्छे से है ना। इसे हाथ से फिर खुला खुला एकदम कर लेना, एकदम खुला हो जाता है एकदम रवे के जैसा ऐसे है ना, एकदम रवे के जैसा खुला हो जाएगा। चलिए अभी जो बाकी का बचा हुआ है वो भी मैं डाल कर इनको दे देती हूँ कि ये पीस लेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से अभी पीस कर हो चुका है। अभी इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट में यहाँ पे मैंने चारों ली ली हूँ, थोड़ी सी थोड़ा सा पिस्ता ली हूँ, थोड़ा बादाम ली हूँ, थोड़ा काजू ली हूँ और थोड़ा सा किशमिश ली हुई, किशमिश यानी मनुका। ये आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। इसी के साथ में मैं यहाँ पे जैगरी पाउडर, आप जैगरी पाउडर नहीं डालना चाहते तो ये टाइम पे आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टाइम पे आप शक्कर यूज कर लेना, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो सेम शक्कर भी आप इसमें डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा। आधा किलो ही जाएगा। यहाँ पे मैंने ली हूँ 3 चम्मच खसखस और 3 चम्मच तिल, इन दोनों को हम साथ में ये तवे के ऊपर भून लेंगे एकदम स्लो गैस पे। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से तिल और खसखस भून के हो चुके हैं, अभी हम इसे डायरेक्ट इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ली थी सूखा खोबरा, सूखा खोबरा यानी कोकोनट, इसे मैंने क्या किया अच्छी तरह से घस ली हूँ, घस के इसे हल्का हल्का से भूनेंगे हम, ज्यादा इसे भूनना नहीं है, हल्का सा भून के इसे निकाल लेंगे। इलायची पाउडर किधर है ना, देखिए यहाँ पे देखिए ये भी अच्छे से भून के हो चुका है, हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसे भी उसी में डाल देंगे। थोड़े से केसर के रेशे डालेंगे, अगर आपके पास में गुलाब की पत्तियां है तो गुलाब की पत्तियां भी आप डाल सकते हैं। इलायची पाउडर डाल देंगे हम, आधा चम्मच के लगभग इलायची पाउडर डाल देना। अब ये सारी चीजें डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि सारी चीजें एक हो जानी चाहिए। तो चलिए अभी सारी चीजें जो है अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो गई है, जैसे कि गुड़ हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, खसखस, इलायची और हमने क्या रखे डाली थी मैंने तिल, तिल, ये सारी चीजें इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अभी हम क्या करेंगे इसे निकाल, अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसे एक बर्तन में निकाल दूंगी मैं, जिस बर्तन में मुझे रखना है उसी बर्तन में मैं इसे निकाल दूंगी। आप इसे कम से कम बाहर 5 से 6 दिन रख के खा सकते हैं और अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो कम से कम इसे महीना भर आप खा सकते हैं, है ना तिल? हाँ। मम्मी का कितना दिन चलता है ना ये, फ्रिज में उठा के रख देती हूँ तो हाँ महीना भर तक तो जाता ही है। हाँ।
मैं बांट भी देती हूँ, बांटने के बाद में जो फातिया का रहता है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बाकी का उठा के फ्रिज में रख देते हैं ना हाँ भाई, हम लोग फातिया वाले है ना थे। कौन हाँ है अपन? सुन्नी सुन्नी कट्टर कट्टर सुन्नी। तो माशाल्लाह हमारे मलिदा बनाकर हो चुका है। अभी मैंने यहाँ पे चिराग निकाली हूँ, चिराग को मैं पानी से धो रही हूँ, धोकर हम इस चिराग को फिर रोशन करेंगे। ऐसे तो हम लोग चिराग रोशन करने के बाद में जब चिराग ठंडे हो जाते हैं तो इसे अच्छे से साफ करके धो के ही रखते हैं हम लोग, मगर फिर भी अभी साल भर के बाद निकालते हैं ना, तो इसीलिए एक बार फिर से हम इसे धो लेंगे। तो ये पूरे 11 चिराग है, ये मेरी दो, ये दोनों चिराग जो है ना ये मेरी सास के है पुराने वाले, फिर उसके बाद में पहले मेरी सास दो ही चिराग रोशन करते थे, मन्नत के चिराग है, और फिर उसके बाद में फिर हमारी सास ने 11 चिराग पूरा करे है ना, ये दो और ये कितने हो गए, दो चार दो छः दो आठ दो दस ग्यारह ग्यारह ये हो गए। और ये जो छोटे चिराग जो है ये वाले, ये मेरे चिराग है, ये मैंने कुछ मन्नत करी थी कि मैं अगर मेरा कुछ काम हो जाएगा, एक काम था मेरा जो नहीं हो रहा था, तो मैंने मन्नत की थी कि अगर मेरा जब वो काम हो जाएगा तो मैं दो चिराग अपने अलग से रोशन करूंगी। तो ये दो चिराग मेरे हैं, ये छोटे से है ना भाई, पूरे चांदी के है ना, सब चांदी के चिराग है। तो ये भी मैं साथी में मेरे सास के चिराग के साथ में ये भी मैं रोशन कर देती हूँ, साथी में इसमें ही रख के साइड में एक जगह रख देती हूँ, इसे भी साथी में रोशन कर देती हूँ। अभी ये पानी को हम लोग फेंकेंगे नहीं, ये पानी को उठा के एक साइड में रखेंगे, उसके बाद में जब ये चिराग ठंडे हो जाएंगे तो इसी पानी में इसे धो लेंगे और ये पानी को हम लोग जार में डाल देंगे। हाँ ऐसा ये पानी इधर उधर फेंकते नहीं, नहीं है। हम लोग नहीं फेंकते, इधर उधर नहीं फेंकते। तो चलिए माशाल्लाह यहाँ पे हमारे चिराग रोशन होने वाले हैं, अभी इसके अंदर हम लोग घी डाल रहे हैं गर्म करके है ना। मैंने सारे कापूस लगा दी, मैंने इसके फूल रख दी, गुलाब के फूल लगा दी, और हमारे पास में जो थाली थी वो सब मैंने पैक करके रखी। तो मैंने एक जगह से बाजू में से थाली ली, मैं बोली हमको चिराग रोशन करना है तो थाली दे दो एक, क्योंकि मेरी जितनी भी थाली थी जितने भी बर्तन थे सब बांध के रखे हुए तो नहीं थे करके, तो मैंने बाजू से मांगे। और यहाँ पे माशाल्लाह चिराग में सब घी डाल दिए है, फूल भी डाल दिए, उसमें भी ये डाल दूँ बैठ गया अंदर, तुम तेल डालने के तब तो जाता वजन से ही अंदर जाएगा ना। अच्छा माचिस ने, माचिस से ना उसे लाया था, माचिस से हाँ। तो चलिए अभी हम मलिदा निकाल लेते हैं फातिया दिलाने के लिए, अभी जनाब जी आएंगे। और मैंने हेल्दी मलिदा बनाई है क्योंकि शक्कर डाल की तो हम लोग नहीं खा पाते, इसीलिए मैंने इसके अंदर गुड़ डाले, गुड़ डाली, जैगरी भी बोलते हैं ना तुम, जैगरी बोलो, जैगरी गुड़ को इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं। अच्छा गुड़ को इंग्लिश। तो ये फातिया के लिए मैंने इतना निकाल दी हूँ, ये फूल की पत्ती रखेंगे तो ऐसा दिख के आता है, दिख के आता है गुलाब की पत्ती, गुलाब की पत्ती। परवरदिगारे आलम के फज़ल करम से, रहम करम से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सत्य तुफल से मालिक के मौला, मैंने कलाम पाक की चंद आयत चंद सूरत पाक की यहाँ पर तिलावत की, यहाँ अपने न्यास के लिए फातह पे जो कुछ भी दाल गोश्त और मलिदा रखा मालिक मौला इन सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आमीन। उन तमाम के सत्य तुफल से मालिक मौला बिलखुसूस इस फातह खानी का सबब, इस न्याज मोहब्बत का सबब पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर गौस अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक बड़े पीर सरकार की बारगाह में नजर करके मौला कबूल फरमा, आमीन। या अल्लाह हुजूर गौस पाक के रोजे अनवर में रहमत और नूर की तू बारिश फरमा दे, आमीन। या अल्लाह हुजूर गौस पाक के वालिद गिरामी हजरत मूसा जंगी
रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में नजर करके मौला कबूल फरमा। या अल्लाह हुजूर गौसे पाक के वालिदे मादा उम्मुल खैर की बारगाह में नजर करके मौला कबूल फरमा। खुदा अल्लाह इनका मकान वहाँ बन रहे परवरदिगार आलम, उस मकान का काम जो भी काम बाकी अल्लाह पाए तकमील तक पहुँचा दे। या अल्लाह बनाने में किसी किस्म की नजर बद नजर बुरी नजर हो तो या अल्लाह उसे दूर फरमा दे। मेरे गौसे पाक का फैजान सब पर जारी और सारी फरमा दे। या अल्लाह अनवर भाई की वाइफ या अल्लाह फिरोज आपा इनके दोनों बेटों की उम्र में अमल में बरकत अता फरमा। नारायण की नेमतों से अजमतों से बरकतों से शराफतों से माला माल फरमा दे। या अल्लाह दुआ यह है मेरे मौला ये बहुत से पाक की न्याज है इनका एक यूट्यूब चैनल करते मेरे मौला उस चैनल में भी बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनका जरिया माँ जरिया रोजी है परवरदिगार आलम उस रोजी को बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह हर किस्म की बला से हर किस्म की नजर बस इसके चैनल की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम इसमें जो भी खाना बनाकर जो भी वीडियो डालते मेरे मौला उसमें कुछ बरकत रहमत سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله